चलिए और रुक कर लेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। लखनऊ से जुड़ी हुई है बड़ी खबर सामने आ रही है, जो आपको बताते चलें कि सीएम योगी ने प्रमुख सचिव गृह के साथ में समीक्षा की है। सेफ सिटी की अवधारणा को लेकर समीक्षा की गई। 17 निगमों में 7 लाख से ज्यादा सीसीटीवी का एकीकरण किया जाएगा। सीसीटीवी को कंट्रोल सेंटर से जोड़ने में लखनऊ कानपुर अव्वल आया, जहां 24 घंटे अवांछनीय घटनाओं की नियमित निगरानी भी संभव है। चिन्हित प्रत्येक डार्क स्पॉट पर लाइट सुनिश्चित की गई है। नगर निगमों में 192 से ज्यादा पिंक टॉयलेट का भी निर्माण किया गया है। तो सीएम योगी ने प्रमुख सचिव गृह के साथ में समीक्षा की। सेफ सिटी की अवधारणा को लेकर यह समीक्षा की गई थी और इस समीक्षा में यह पाया गया है कि नगर निगमों में जहां 192 से ज्यादा पिंक टॉयलेट का निर्माण किया गया है, इसके अलावा उन्होंने ये भी पाया कि चिन्हित प्रत्येक डार्क स्पॉट पर लाइट सुनिश्चित की गई है। इधर 17 निगमों में 4 लाख से ज्यादा सीसीटीवी का एकीकरण किया जाएगा। वहीं सीसीटीवी को कंट्रोल सेंटर से जोड़ने में लखनऊ कानपुर अव्वल नंबर पर आया है। तो आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रमुख सचिव गृह के साथ में समीक्षा की है। सेफ सिटी की अवधारणा को लेकर यह समीक्षा की गई और इस समीक्षा में यह पाया गया कि सीसीटीवी को कंट्रोल सेंटर से जोड़ने में लखनऊ और कानपुर अव्वल रहा, जहां 24 घंटे घटनाओं पर नियमित निगरानी भी की गई है, संभाव्य निगरानी हो पाई है। चिन्हित प्रत्येक डार्क स्पॉट पर लाइट भी सुनिश्चित की गई है। इधर नगर निगमों में 192 से ज्यादा पिंक टॉयलेट का निर्माण किया गया है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी विवेक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। विवेक, सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रमुख सचिव गृह के साथ में समीक्षा की थी, क्या कुछ समीक्षा इस दौरान की गई थी और क्या निष्कर्ष निकला? देखिए नरसी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के शहरों को सुरक्षित बनाने की जो अवधारणा है सरकार की, उसको लेकर लगातार प्रतिबद्ध है और कार्य भी कर रहे हैं। कल प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद के अलावा 17 नगर निगमों के नगर आयुक्त और इसके अलावा अलग अलग विभागों के विभागाध्यक्ष और पदाधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे। साफ तौर पर इस बैठक की मंशा यही थी कि सुरक्षित सेफ सिटी का निर्माण किया जाए। उत्तर प्रदेश से 75 जिले हैं और कई ऐसे बड़े शहर हैं जहां दिन रात आवाजाही जो है वो लगी रहती है। खासतौर पर अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के प्रति जो अपराध है उसका निस्तारण करने में एनसीआरबी की रैंकिंग में बाकायदा उत्तर प्रदेश सरकार नंबर वन है। महिला अपराध में 14 नंबर भी थी, लेकिन महिला अपराध के निस्तारण में उत्तर प्रदेश सभी राज्यों में नंबर वन है। तो किस तरीके से महिला अपराध पर कानून जो है उत्तर प्रदेश में शिकंजा कस रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार कितनी प्रतिबद्ध है, इसको लेकर साफ तौर पर देखा जा सकता है। इसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव गृह और कई बाकी बड़े पदाधिकारियों के साथ बैठक की और बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही 17 नगर निगमों में 4 लाख से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे के एकीकरण की बात की गई और जो चिन्हित हॉटस्पॉट है उस पर जो है काम करने की बात की गई। फिलहाल उत्तर प्रदेश में कोई भी ऐसा डार्क हॉटस्पॉट चिन्हित नहीं है, ये सबसे अच्छी बात है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो सीसीटीवी से लैस कई शहरों को करने की तैयारी अब योगी सरकार दिखा रही है, ताकि अगर कोई घटना हो तो उसको समय पे कैद किया जा सके, जिससे जानकारी मिल सके और समय पे उस पर एक्शन हो सके। अब बात करें तो जिस तरीके से लखनऊ और कानपुर सीसीटीवी कमांड सेंटर को जोड़ने में नंबर वन रहे हैं, राजधानी है लखनऊ, इसके बगल में ही कानपुर है, तो साफ तौर पर राजधानी लखनऊ में काम होता हुआ इस चीज पर दिखाई दिया है। 24 घंटे लखनऊ और कानपुर में निगरानी रखी जा रही है। प्रमुख शहरों पे जो हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं, जहां पे वारदात का सिलसिला पहले ज्यादा होता आया है, चाहे वो चोरी की बात हो, लूट की बात हो, डकैती की बात हो, एक्सीडेंट की बात हो या मारपीट की बात हो, ऐसी जगहों को चिन्हित किया जा रहा है, वहां पर सीसीटीवी कैमरे को लैस किया जाएगा और एक एक पल की मॉनिटरिंग जो है इन चिन्हित हॉटस्पॉट पर रखने की अवधारणा जो है उस पर काम हो रहा है। 17 जिलों में 4 लाख से अधिक सीसीटीवी का एकीकरण हो रहा है, ये बड़ी जो है वो बात है साफ तौर पर। और जिस तरीके से ये तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई, तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को महिला सुरक्षा से जोड़कर देखा जा रहा है कि महिला लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गंभीर रहे हैं, अपने समीक्षा बैठकों में अधिकारियों को निर्देश देते रहे कि महिला संबंधी जितने मामले आए हैं उनका जो है जल्द से जल्द निस्तारण होना चाहिए। इसके लिए बकायदा उत्तर प्रदेश सरकार ने फास्ट ट्रैक की व्यवस्था कई मामलों में कराई है और यही वजह है कि एनसीआरबी की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश महिला मामलों के निस्तारण में नंबर वन साबित हुआ था। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चीजों को और पुख्ता करने के लिए समीक्षा बैठक अधिकारियों के साथ कर रहे हैं और जब से लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया, हमने देखा है कि एक भी ऐसा विभाग
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नहीं छोड़ा होगा जिस विभाग के असल मुद्दों पर बैठक न की गई हो। साथ ही साथ जनसामान्य के मुद्दों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का डोर टू जवाब अधिकारियों के है कि जनता की सुनी जाए वरना सीधे तौर पर एक्शन लिया जाएगा। बात की जाए तो हाल फिलहाल में जिलाधिकारियों का तबादला भी हो रहा है, तबादला एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश में जारी है, परफॉर्मेंस के लिहाज से तबादला हो रहा है और जिस तरीके से तहसील स्तर से लेकर जिला स्तर और खासतौर पर कमिश्नरेट जहां पे लागू है, जहां मंडलायुक्त है वहां पे भी अल्टीमेटम दे दिया गया है। जो मंडलायुक्त का हिला हवाली अपने कामों में कर रहे हैं साफ तौर पर उनको दो टूक जवाब दे दिया गया है कि सभी राजस्व के मामले का निस्तारण कराए वरना कार्रवाई संभव है। और जिस तरीके से तमाम चीजें देखने को मिल रही है कि अधिकारियों का ट्रांसफर हो रहा है, विभाग बदले जा रहे हैं, किसी को प्रमुख सचिव विशेष सचिव से बकायदा कहीं किसी जिले के डीएम की कमान दी जा रही है, तो साफ तौर पर स्पष्ट ये निर्देश है कि जो चीजें अधिकारियों के खराब भी है जनता से और सरकार का जो कनेक्शन जो खराब हुआ है, जो कार्यकर्ताओं और जनता को जो मायूसी अधिकारियों के दर पर जाने से मिली है उसको दूर करने की पूरी कवायद उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। ऐसे अधिकारी जो जनता को अपना समय नहीं देते थे, उनकी बातों को सुनना पसंद नहीं करते थे, समय नहीं देते थे उनकी समस्याओं को, उन पर भी कार्रवाई लगातार जारी है। तो ऐसी समस्या बैठकों का उद्देश्य यही है कि जो चीजें खराब हो चुकी है कहीं ना कहीं अधिकारियों की हीला हवाली से जहां पे प्रदेश सरकार का पे जो है ठीकरा फूटता नजर आया था, बात की जाए चाहे वो कार्यकर्ता हो उनके या फिर आम जनमानस जो तमाम मुद्दों से जो है जूझ रही थी, तो इस पर साफ तौर पर कड़ा रुख मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उठाया है, समीक्षा बैठक की है, तमाम बातों पर चर्चा हुई है, अधिकारियों को साफ तौर पर दो टूक निर्देश दे दिए। अभी पिछले दिनों बात की जाए तो एक इको इवेंट के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, वहां पे साफ सफाई की व्यवस्था उतनी बेटर नहीं थी जिसपे जहां पर अभी भी गुंडा राज और माफिया राज प्रबल पर है। अब ऐसे में उन गुंडा राज को और माफियाओं को खत्म करने के लिए क्या काम किए जाएंगे? अगर बात करें तो एक समय ऐसा था इस प्रदेश में जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिन ढलने के बाद लोग आवाजाही बंद कर देते, खासतौर पर महिलाएं घर से निकलना बंद कर देती थी, लेकिन पिछले 7 साल में जब से उत्तर प्रदेश की कमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाली है महिला सुरक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश ने काफी बेहतर काम किया है। मैंने इसके पहले भी बताया कि एनसीआरबी के आंकड़े ये गवाही दे रहे हैं कि किस तरीके से महिला अपराध के निस्तारण के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 राज्य बना हुआ है। अगर बात करें तो कहीं छोटी मोटी दुर्घटनाएं जो है होती रही है, उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है, देश में सबसे ज्यादा आबादी वाला प्रदेश है, तो कहीं ना कहीं जो जीरो टॉलरेंस की नीति है वो माफियाओं और गुंडों पर जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार लागू कर रही है, लेकिन अभी भी छुटपुट घटनाएं इस तरह की निकल के सामने आ रही है, उनको भी जो है वो निस्तारण करने की योजना उत्तर प्रदेश सरकार के पास है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है, मुख्यमंत्री कुल एक एक विभाग की समीक्षा बैठक कर रहे हैं पदाधिकारियों के साथ अधिकारियों के, तो साफ तौर पर ये दिखाई देता है कि विजन उत्तर प्रदेश सरकार का किस तरीके से सेफ सिटी बनाने को लेकर उत्तर प्रदेश बिल्कुल वाकई सेफ सिटी को लेकर जो एक उद्देश्य एक जो विजन पार्टी के द्वारा बनाया गया है, सरकार के द्वारा बनाया गया है, अब उस विजन पर सरकार कितना खरा उतर पाती है ये तो वक्त ही बताएगा। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे अपडेट्स लेंगे आपसे। तो आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रमुख सचिव के साथ समीक्षा की, सेफ सिटी की अवधारणा को लेकर दरअसल ये समीक्षा की गई है और इस दौरान एक विजन सरकार के द्वारा तय किया गया है कि सेफ सिटी उत्तर प्रदेश को बनाना है ताकि महिलाएं निडरता के साथ अपने घरों से बाहर निकल सकें, और उस विजन के तहत ही अब सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है। जहां एक समय था जब उत्तर प्रदेश को गुंडा राज और माफिया राज के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे कर गुंडा राज और माफिया राज उत्तर प्रदेश से योगी सरकार खत्म करती जा रही है, और यही एक कारण है कि सेफ सिटी को लेकर सरकार ने एक विजन बनाया है और इस विजन के साथ अब काम कर रही है।